भारत पहुंचे जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्च, पीएम मोदी से मुलाकात की, साथ ही 6 कन्वेंशनल सबमरीन बनाने वाली डील पर साइन करी। कांग्रेस अधिवेशन का दूसरा दिन, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि देश में नफरत का माहौल, सरकार रेल तेल अपने मित्र को बेच रही। कांग्रेस अधिवेशन का दूसरा दिन। प्रयागराज की घटना पर सीएम योगी का बड़ा बयान, जिससे माफिया ने किए कृत्य, उनको मिट्टी में मिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली में सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव मौजूद, मंच पर 7 दलों के नेताओं ने दिखाया दम, पूर्णिया में महागठबंधन की रैली। अमित शाह की जनसभा से लौट रहे 14 लोगों की मौत, ट्रक ने 3 बसों को टक्कर मारी, 2 खाई में गिरी, 1 पलटी, शाह की जनसभा से लौट रहे थे लोग। नई टिहरी के प्रताप इंटर कॉलेज पहुंचे सीएम धामी, 533 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण, विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए सीएम। चार धाम यात्रियों के लिए जारी होगी नई गाइडलाइन, यूट्यूबर नहीं बना पाएंगे वीडियो, ड्रेस कोड भी हो सकता है लागू। 13 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र, गैरसैंण में बजट सत्र की अधिसूचना की गई जारी, बजट सत्र को लेकर सरकार की तैयारियां पूरी। कानपुर में सेल बाजार में भीषण आग लगने से हड़कंप, आग लगने के बाद हो रहे धमाके, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। इटावा में चंबल नदी में छोड़े गए 1100 कछुए, 4 दुर्लभ प्रजाति के कछुए चंबल नदी में छोड़े गए, लखनऊ से लाए गए थे 1100 कछुए। एमपी में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को मिली मंजूरी, हर महीने खाते में आएंगे 1000 रुपए, 5 मार्च से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू। पटना में अमित शाह के निशाने पर नीतीश, कहा नीतीश 4 चोर के साथ बैठे हैं, इससे किसानों का भला होगा क्या। पटना में लालू ने बोला बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी पार्टी नहीं आरएसएस का मुखौटा, महागठबंधन की रैली में कहा दोनों आरक्षण विरोधी। सोनिया का राजनीति से रिटायरमेंट का इशारा, पार्टी के रायपुर अधिवेशन में बोली भारत जोड़ो यात्रा के साथ मेरी पारी समाप्त हो सकती है। श्रीलंका फिर गहरे आर्थिक संकट में, पिछले एक साल में 45% गिरा श्रीलंकाई रुपया, विदेशी मुद्रा भंडार में 500 मिलियन डॉलर की कमी। अंडमान निकोबार में दिखी थी चीनी गुब्बारे जैसी चीज, 2022 में सैन्य ठिकानों के पास घुमा था, ट्रेस नहीं हुआ, अब जांच होगी। यूएन में भारत बोला पाकिस्तान आतंकियों की पनगाहा, कहा हमें उकसाने का फायदा नहीं। इंडियन नेवी की पनडुब्बी पहली बार इंडोनेशिया पहुंची, खतरनाक हथियारों से लैस, सिंधु केसरी ने साउथ चाइना सी पार किया, चीन से को है सीधा जवाब। भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट मैच इंदौर में, यहां 2 टेस्ट खेले दोनों, भारत ने जीते, 1 मार्च से शुरू होगा टेस्ट। इंग्लैंड ने 435/8 पर घोषित की पहली पारी, न्यूजीलैंड ने 138/7 विकेट गवाए, एंडरसन लीच को 3-3 विकेट।